इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ AlCl3। AlCl3 एल्यूमिनियम ट्राई क्लोराइड का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करना है। सर अगर सल्फर ने एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन को दे दिया तो वो इलेक्ट्रॉन सल्फर में भी गिना जाएगा क्या? सुनना बेटा, इस पॉइंट को थोड़ा क्लियर करो, अगर सबको इसमें थोड़ी डाउट हो सकता है। एक चीज सुनो बेटा, सल्फर ने इलेक्ट्रॉन किसी को दिया नहीं है, शेयर किया है बेटा। अगर दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो कोवलेंट बॉन्ड बन गया और दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम देगा। देने का मतलब कंट्रीब्यूट करना, देने का मतलब ये नहीं उसको रखने के लिए दे दिया, फिर तो आयनिक बॉन्ड बन जाता। ये दो इलेक्ट्रॉन लूज करता तो +2 चार्ज जाता, इस पे -2 चार्ज जाता। शेयर की बात मैंने कल एक एग्जांपल दिया था, दो पर्सन है, सुन लो एक बार, ए एंड बी, दोनों ने 50-50% इन्वेस्टमेंट करके एक दुकान खोल दी मिठाई की, अग्रवाल स्वीट्स के साइड में। तो बताओ वो दुकान किसकी है? दोनों की है बेटा, दोनों का 50-50% कंट्रीब्यूशन है। और मैंने एक एग्जांपल दिया था, 100% इन्वेस्टमेंट इसने किया, इसके पास पैसे नहीं थे, इसको बोल देगा भाई तू दुकान संभाल ले, तू काम कर, मैं पैसे लगाऊंगा। तो देखना, अभी भी तो दोनों की है, लेकिन इसने तो 100% कंट्रीब्यूशन दिया। इस बार कोऑर्डिनेट बॉन्ड बढ़ाओगे और इस बार कोवलेंट बॉन्ड था, लेकिन है तो दोनों की, तो ये ध्यान रखना है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है, फर्क क्या है? 100% कंट्रीब्यूशन एक एटम देगा, और कोवलेंट बॉन्डिंग भी शेयरिंग है, फर्क क्या है? दोनों एटम इक्वल कंट्रीब्यूशन देंगे, 50-50% कंट्रीब्यूशन देंगे। तो ये आपको ध्यान रखना भाई। अब सुनना भाई, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट भाई, ये आपके 2 मार्क्स मिनिमम दिलाएगा, कंपटीशन में भी और 11th क्लास में भी। ये क्वेश्चन लिख लो, पक्का आएगा, पर्ची वाला क्वेश्चन है भाई, पर्ची वाला क्वेश्चन होता है जो पेपर में जरूर आता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पर्ची बनानी है। नवीन ने तो तैयारी भी शुरू कर दी, अभी से लिख लिया इसके ऊपर, पर्ची बनाऊंगा इसकी। तो अब सुनना भाई ध्यान से, हमें एक्सप्लेन करना बच्चों स्ट्रक्चर ऑफ AlCl3। कैसे एक्सप्लेन करेंगे भाई, ध्यान से देखना है। AlCl3 को देखो भाई, नॉर्मल स्ट्रक्चर ये दिखेगा आपको, एल्यूमिनियम ने 3 क्लोरीन से बॉन्ड बना रखा बच्चों। तो चेक करके देखो एल्यूमिनियम की वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2, 4, 6। इसका मतलब AlCl3 में एल्यूमिनियम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसलिए हम इसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड मानते हैं। तो ध्यान से देखना भाई, AlCl3 इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, हाइपोवलेंट भी बोल सकते हो, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। ध्यान से सुनना भाई, देखो AlCl3 का स्ट्रक्चर बनाया, एल्यूमिनियम के ऊपर 3 क्लोरीन जुड़े हैं, एल्यूमिनियम की वैलेंस सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 3 ही बॉन्ड बनाएगा एल्यूमिनियम। क्लोरीन ने तो ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, लेकिन एल्यूमिनियम का तो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ, 4 बॉन्ड बनने चाहिए तब ऑक्टेट कंप्लीट मानते हैं। अब देखना, AlCl3 इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड, सो इट एग्जिस्ट एज डाइमर, इसलिए बच्चों ये डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। किसकी फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा? डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। डाइमर का मतलब 2 यूनिट जुड़ना। अब देखना, AlCl3 को 2 से गुणा कर दिया, 2 यूनिट जोड़ दी, तो एल्यूमिनियम हो गए और 6 क्या हो गए, क्लोरीन हो गए। अब Al2Cl6 बनाना पड़ेगा आपको। अब Al2Cl6 कैसे बनेगा ये ध्यान से देखना भाई, AlCl3 था डाइमर का मतलब, डाइमर का मतलब ये हो गया 2 यूनिट जुड़ गई, 2 से गुणा कर दो या 2 यूनिट जोड़ दो, 2 एल्यूमिनियम हो गए।
और 6 क्लोरीन हो गए। अब ध्यान से देखना भाई, इस डाइमर का स्ट्रक्चर आपको बनाना पड़ेगा, ये एंट्रेंस में पूछेगा, ये स्कूल के पेपर में आएगा। अब नीचे स्ट्रक्चर बना के दिखा देना। देखो भाई कैसे एल्यूमिनियम 3 से 4 बॉन्ड के ऊपर पहुंचता है, बड़ी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, ध्यान लगा के समझना है। हाँ भाई, एल्यूमिनियम कितने हो गए बच्चों? 2 हो गए, 2 एल्यूमिनियम बना लिए। अब देखना भाई, इसको एक मिनट के लिए मैं रब कर रहा हूं। अब देखो, आपको पता था एल्यूमिनियम में तो सिर्फ 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, देखना, 1 क्लोरीन 2 क्लोरीन। एक बार स्ट्रक्चर बनाओ पहले सभी, 3rd क्लोरीन 4th क्लोरीन 5th क्लोरीन 6th क्लोरीन बनाना एक बार। अब देखना एल्यूमिनियम ने 1 2 3 4 बॉन्ड कैसे बना लिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 3 ही थे तो 3 ही बॉन्ड बना सकता था। इस एल्यूमिनियम की वैलेंस सेल में भी 3 इलेक्ट्रॉन थे। अब AlCl3 में तो 3 इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड 3 ही बनने चाहिए। ये एल्यूमिनियम 4 4 बॉन्ड कैसे बना गए, ये चीज आपको समझनी है। ध्यान देना भाई, एक नए टाइप का बॉन्ड आएगा जो पहले कभी सुना नहीं होगा, ध्यान से समझना। एक चीज देखो भाई, एल्यूमिनियम के पास थे 3 इलेक्ट्रॉन, ध्यान से देखो, इस एल्यूमिनियम ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन 2 क्लोरीन के साथ शेयर कर लिए, नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड बन गया। तो ध्यान रखो इस पे कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 1 बचा, याद रखना। इस एल्यूमिनियम ने भी 3 में से 2 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के साथ शेयर कर लिए, 1 इसके साथ 1 इसके साथ। इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 1 इलेक्ट्रॉन बचा। अब देखो 1 इलेक्ट्रॉन से कैसे काम चलाएगा। अब आप तो जानते हो क्लोरीन 1 ही इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, 2 8 7। अब देखना इस क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन से 2 बॉन्ड कैसे बनाए, ध्यान से देखना। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चेक की, क्या मिला, इस एल्यूमिनियम ने आधा इलेक्ट्रॉन तो यहां दिया और आधा इलेक्ट्रॉन इस तरफ दिया, इस क्लोरीन ने भी आधा इलेक्ट्रॉन इधर दिया, आधा इलेक्ट्रॉन इधर दिया। आधा इलेक्ट्रॉन का मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं तोड़ सकते, हमें देखनी होती है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो आधी इधर मान सकते हैं, आधी इधर हो सकती है। तो देखना इस एल्यूमिनियम पे भी 1 इलेक्ट्रॉन था, आधा इलेक्ट्रॉन इधर, यानी आधे इलेक्ट्रॉन के बराबर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर, और इस क्लोरीन की भी 1/2 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर और 1/2 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर। अब देखना एल्यूमिनियम की टोटल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चेक करो, 1 इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, दूसरे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी 1/2, तीसरे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, इसी तरह इधर क्लोरीन की भी 1/2, 1 इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी। अब ध्यान देना सभी, अब यहां से यहां तक कितने एटम यूज हो रहे हैं, यहां से यहां तक कितने एटम यूज हो रहे हैं, 1 2 3, तो इसको बोलेंगे 3 सेंटर्ड। और इलेक्ट्रॉन कितने यूज हो रहे हैं, 1/2 1 1/2 1, यानी 2 इलेक्ट्रॉन ने 3 एटम को बाइंड करके रखा है, तो 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स बोलते हैं बेटा। और ये माइक्रोस्कोप के नीचे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो ऐसी दिखती है बनाना जैसी, इसलिए इनको बनाना बॉन्ड्स बोलते हैं। तो देखना कोऑर्डिनेट बॉन्ड 1 इलेक्ट्रॉन से बना है, तो ये देखना ये नए टाइप का जो बनाना बॉन्ड टाइप का कोवलेंट बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है तो कोवलेंट ही मानना पड़ेगा। और देखना 2 एटम के बीच में 1/2, 1 ही तो इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन से यहां तो कोवलेंट बॉन्ड भी बन गया, तो बिल्कुल वैलिड कॉन्सेप्ट है। माइक्रोस्कोप के नीचे दिखते हैं ये बॉन्ड, तो गलत भी नहीं कह सकते। और जब ये सही है तो फिर सुजैन कॉन्सेप्ट में क्या प्रॉब्लम है, तो इनको बोलते हैं 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स, दूसरा नाम है बनाना बॉन्ड्स। जिसको नहीं आया वो एक बार फिर ध्यान देना, मैं दोबारा स्ट्रक्चर बना रहा हूं, एक बार में हो सकता है इसमें कंफ्यूजन हो जाए कैसे बना दिया, ध्यान से देखना भाई। ये पहला एल्यूमिनियम है भाई, ये दूसरा एल्यूमिनियम है बच्चों, ये 6 क्लोरीन रखे मैंने, अच्छे से समझ लेना। एल्यूमिनियम के पास है 3 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन
और क्लोरीन भी कंट्रीब्यूट करता है, एक इलेक्ट्रॉन आप जानते ही हो, क्लोरीन को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड बना, यहाँ भी नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड बना, इधर भी इस एल्यूमिनियम ने एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के साथ शेयर किया, एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के साथ नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड बना। अब देखना, एक इलेक्ट्रॉन तो इस एल्यूमिनियम पे बचा और एक इलेक्ट्रॉन के बराबर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से एल्यूमिनियम पे बची, और एक इलेक्ट्रॉन से दोनों एटम को बाइंड करना है, और क्लोरीन के पास भी एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब देखो, बॉन्ड दोनों तरफ बनाना है और इलेक्ट्रॉन क्या है, एक ही है, कैसे कर पाएंगे ध्यान से समझना। एल्यूमिनियम ने क्या किया, आधी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो इधर दे दी और आधी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर दे दी, इस क्लोरीन ने भी आधी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर दे दी, आधी इधर दे दी, आधी आधी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से बॉन्ड बन गया भाई। बेशक कच्चा सा बॉन्ड बना, लेकिन बन तो गया, पक्का बॉन्ड तो नहीं है बिल्कुल, लेकिन बॉन्ड तो बना। इसी तरह इस एल्यूमिनियम ने आधी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर दी, आधी इधर दी, आधी आधी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से कच्चा सा बॉन्ड इधर बन गया। इस क्लोरीन ने आधी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर दी, आधी इधर दी, आधी आधी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से कच्चा सा बॉन्ड इधर बन गया और एक कच्चा सा बॉन्ड इधर बन गया। तो ये नॉर्मल टाइप के बॉन्ड तो नहीं दिख रहे, माइक्रोस्कोप के नीचे बनाना जैसे दिखते हैं, बनाना इस टाइप के दिखते हैं बच्चों ये, इसलिए इनको बनाना बॉन्ड्स बोलते हैं। अब देखना, यहां से यहां तक एटम काउंट करो, एक दो तीन एटम जुड़े हैं, थ्री सेंटर्ड, और कितने इलेक्ट्रॉन से, हाफ ऑफ वन, हाफ ऑफ वन, एक और एक दो इलेक्ट्रॉन से, तो इसलिए इनका नाम क्या है, थ्री सेंटर्ड टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स, और बनाना जैसे दिखते हैं, बनाना बॉन्ड्स। आया भी समझ में, 2 मार्क्स पक्के हैं भाई, इस क्वेश्चन को कोई नहीं रोक सकता पेपर में, एंट्रेंस में भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन पक्का है, आईआईटी में आए, नीट में आए, वो आपका लक है, तो आपको देखना भाई, तो देखना नई नई कॉन्सेप्ट निकल के आ रही है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड ने अपनी डेफिशिएंसी पूरी करने के लिए 3 ही बॉन्ड बना रहा था, बॉन्ड पूरे करने थे 4, तो क्या कर दिया भाई, डाइमर बना दिया। क्या बना दिया बच्चों, डाइमर बना दिया। ठीक है बच्चों, एल्यूमिनियम पे इलेक्ट्रॉन की कमी थी, इसको पता चल गया 4 बॉन्ड तो नहीं बन पाएंगे, क्या ट्रिक मारी, नए टाइप के बॉन्ड बना लिए, बनाना बॉन्ड बना लिया भाई, 4 बॉन्ड तो पूरे करके रहेंगे, तो ये चीज का ध्यान रखना भाई, इसको अपना 4 बॉन्ड पूरे करने थे, तो देखो कर गया, नए टाइप की बॉन्डिंग करके, बनाना बॉन्डिंग करके। ऐसा नहीं है बेटे कोई चीज पॉसिबल नहीं है, तो अब ठीक है 2 करोड़ रुपए की गाड़ी में हम नहीं चल सकते, इसका मतलब ये थोड़ी है कहीं गाड़ी खड़ी है तो लात मार के मजा भी नहीं ले सकते, ले सकते हैं, ठीक है भाई, तो ये राइट तो हमें है, कोई नहीं देख रहा होगा, तो नहीं देख रहा होगा तब सेम चीज यहां हो रही है, एल्यूमिनियम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा था, 4 इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं हो रहे थे, क्या कर लिया, नए टाइप के बॉन्ड बना लिए, बनाना बॉन्ड्स, तो ये ध्यान रखना भाई। यही चीजें एक्सेप्शन है, जो ये बोला जाता है जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो एक्सेप्शन से भरी पड़ी है, ये वो एक्सेप्शन है जो आनी शुरू हो गई है, 10th में कभी भी नहीं सुनी होगी, और इन्हीं के ऊपर क्वेश्चन पूछेगा, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट है, तो जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो फुल ऑफ एक्सेप्शंस मिलेगी, फिजिकल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक्सेप्शंस नहीं होंगी बच्चों, सारी किसमें होंगी, इनऑर्गेनिक में होंगी। तो आज देखो क्या सीखा हमने, ऑक्टेट रूल, सुजेन कॉन्सेप्ट हमने सीखी, सिंगलेट बॉन्डिंग वो कॉम्पिटिशन का टॉपिक है, और AlCl3 में नई टाइप की बॉन्डिंग हमने सीखी, थ्री सेंटर्ड टू इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग, इसको हम क्या बोलेंगे, बनाना बॉन्डिंग बोलेंगे। हाँ भाई, इस यूनिट्स की कॉपी तैयार करो अच्छे से, इसके नोट्स रेडी हैं, आज आप कलेक्ट कर सकते हो बच्चों इंस्टीट्यूट से, 11 बजे तक मैं बैठूंगा, 9 से 11 बजे तक, ठीक है भाई। और इस वीक में बेटा सैटरडे तक आप सभी को कम से कम एक बार मेरे से मिलके जाना है, तो कुछ ऑफलाइन क्लासेस प्लान कर रहे हैं तो उनके बारे में बात करें। हाँ भाई,
प्रियंका कह रही है सेकंड यूनिट से एक दो डाउट है, कोई प्रॉब्लम नहीं बेटे, 9 से 11 बजे तक बैठता हूँ, जिसको डाउट्स है बेसिक डेली आ जाओ, मैं डाउट के लिए ही बैठता हूँ वहाँ पे, तो ये ध्यान रखना है, बिना पूछे आ सकते हो डेली, 9:15 बजे के करीब आ जाओ और 11 साढ़े 11 बजे तक मैं बैठता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो नोट्स भी कलेक्ट कर लेना और कम से कम एक बार मिलके जाना भाई सैटरडे तक, तो एक एक बार हर एक बच्चा जरूर मिलके जाएगा, अपने नोट्स लेने आए तो सबसे कुछ बात करनी है मेरे को। तो ठीक है बेटे, सबको गुड मॉर्निंग गुड बाय, अच्छे से इसको रीड करना है, ठीक है? तो एक टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाती है उसको थोड़ा सा इग्नोर करो, वो चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है, ठीक है बच्चों? तो इसको अच्छे से तैयार करना है और कल नेक्स्ट लेक्चर हम लेंगे, कुछ आइनिक कोवलेंट बॉन्डिंग के पॉइंट्स हैं, एक क्वेश्चन ये अच्छे से पढ़ना भाई, कल आते एक क्वेश्चन मैं पूछूंगा आप लोगों से जो बिल्कुल इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड होगा, तो इसको ढंग से तैयार करना, एक बार मैं देखता हूँ कौन सा ऐसा बच्चा है जो इसको ढंग से तैयार करके उसका आंसर दे पाएगा बिल्कुल इस कॉन्सेप्ट पे, या मैं आपको बता भी देता हूं। हाँ भाई, AlCl3 ने डाइमर बनाया, BCl3 भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है लेकिन ये डाइमर नहीं बना पाएगा, ये क्वेश्चन है भाई। बोरोन एल्यूमिनियम सेम ग्रुप में है, एल्यूमिनियम की जगह बोरोन रख दिया, BCl3 भी होता है, ये स्ट्रक्चर होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, लेकिन BCl3 डाइमर नहीं बना सकता, AlCl3 ने बना दिया। जब बोरोन और एल्यूमिनियम सेम ग्रुप में है तो बोरोन को क्या प्रॉब्लम होगी, ये आपको बताना है, तो BCl3 नहीं बना पाएगा डाइमर, तो ये क्वेश्चन कल आते ही पूछ